بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. मैं खाके गरीब नवाज मुल्ला अपाहर हुसैन कादरी सिरौंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश से, मेरा नंबर 88 152 53 598। न मैं देवबंदी, न बरेली, न अलहदी, न मौदूदी, न मिर्जाई, न कादियानी, न शिया, मैं हूँ अहले सुन्नत वल जमात, जो 1400 साल से जमात चली आ रही है, जिसमें तमाम औलिया किराम हैं। हम उस जमात से हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है: कुल जा अल हक व ज़हक़ अल बातिल, जब हक आता है तो बातिल मसहूक हो जाता है। ये कुरान में अल्लाह ने फरमाया। आज मैं मकाम ताजुशरिया, मकाम हज़रत ताजुशरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करने जा रहा हूँ। चंद मिनट आप समाअत फरमाएँ। मकाम हज़रत ताजुशरिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कितना बुलंद बाला मकाम अल्लाह ने हज़रत ताजुशरिया रज़ी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया है। देखिए, उलमा बहुत हुए, मुफस्सिरीन बहुत हुए, मुदब्बिरीन बहुत हुए, मुकर्ररीन बहुत हुए, मुसन्निफीन बहुत हुए, मुहर्ररीन बहुत हुए, मुकर्ररीन बहुत हुए, मुदर्रिसीन बहुत हुए, मुअल्लिमीन बहुत हुए, एक से एक आलिम, एक से एक वली सालेहीन दुनिया में हुए और होते रहेंगे। लेकिन मकाम हज़रत ताजुशरिया रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ और ही है। अल्लाह ने जो मकाम हज़रत ताजुशरिया रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फ़रमाया है, वो बड़े बड़े वलियों को हासिल नहीं। बड़े बड़े वलियों तो क्या, ताबईन को हासिल नहीं, तबे ताबईन तक को वो मकाम हासिल नहीं जो मकाम अल्लाह ताला ने हज़रत ताजुशरिया रज़ियल्लाहु अन्हु को अता फ़रमाया है। अब देखें आप, अब एतराज़ करने वाले तो बहुत सी बातों पर एतराज़ कर देते हैं कि इन्हें ताजुशरिया क्यों कहा जा रहा है। देखिए, हुजूर कहने पर तो मैंने खुद ही ये एतराज़ किया था कि ज़माने में जो लोगों को हुजूर कहा जाता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अज़हरी मियाँ, हुजूर अज़हर मियाँ और कालपी वाले गयास, उनको भी हुजूर कहते हैं। अब ये मैंने ही एतराज़ किया था, अब मैं ही इसका जवाब दे रहा हूँ कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अज़हरी मियाँ, हुजूर अज़हर रज़ा साहब क्यों कहा जाता है। उसका जवाब इसी क्लिप में मिल जाएगा कि साहब आला हज़रत क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। देखिए, जिसका जो मकाम है और जो जिस नाम से मंसूब मशहूर है, लोग वो उससे वही मुराद लेते हैं बोलने से, जैसे मुहद्दिस कबीर कहने से ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को मुराद लेते हैं, हाफिज़ मिल्लत कहने से शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब मुराद लेते हैं, मुजाहिद दौरा कहने से लोग कछोचा वालों को सैयद मुजफ़्फ़र हुसैन कछोची साहब को मुराद लेते हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद कहने से लोग हज़रत मदनी साहब के वालिद को मुराद लेते हैं। इसी तरह से जिसकी जो जिसका जो लक़ब मशहूर है, अगर वो लक़ब हम बोलते हैं तो वो अज़ात मुराद हो जाती है कि नहीं। इसी तरह से अगर कोई आला हज़रत कहता है तो बरेली वाले मुराद हो जाते हैं। अब कछोचा वालों को भी कहा जाए, अली हुसैन अशरफ मियाँ साहब को या ताजुल फूल बदायूनी वालों, बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह को, लेकिन मशहूर ज़्यादातर फाजिल बरेली है। इसी तरह से लफ्ज़ हुजूर सुनते ही ईमान वालों का जहन गुंबद खज़रा की तरफ जाता है, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाता है, लेकिन इस लफ्ज़ को लोगों ने आम कर दिया है। अब मैंने हज़रत ताजुशरिया रज़ी अल्लाह अन्हु के मरतबे मकाम को बताने का कहा, चंद मिनट आप समाअत फरमाएं। ये वो मकाम, अल्लाह ने वो मकाम दिया हज़रत ताजुशरिया रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो बड़े बड़े वलियों को हासिल नहीं, ताबईन को हासिल नहीं, तबे ताबईन तक को हासिल नहीं। अब आप सोचेंगे कि ताबईन को भी हासिल नहीं, तबे ताबईन को भी हासिल नहीं। वो सारे जवाब आला हज़रत कहने के, हुजूर मुफ्तियान कहने के, इसी क्लिप में आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने कुछ इस तरह की बातें आपके अंदर दिमाग में
डालने की कोशिश की है कि आप खुद समझ जाएं कि हक हक होता है, बातिल बातिल ही होता है। देखिए गुलू की हदें इस ज़माने में पार हो रही हैं। कुरान में ला तगलू फी दीनकुम, दीन में गुलू मत करो। फाजिल बरेलवी के वालिद अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह ने लिखा है कि गुलू करना यानी हद से ज़्यादा किसी को बढ़ाना, ये शरीयत में मुतलकन हराम है। सफ़ा 157 जिल्द दोम तफ़सीर अलम नशरा, और तफ़सीर अलम नशरा जिल्द दोम सफ़ा नंबर 173 में लिखा है अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने। हम उनके ही मसलक के मुताबिक हैं, उनके ही मिजाज के मुताबिक हैं। उनका अकीदा बिल्कुल दुरुस्त था अल्लामा नक़वी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का। ये बाद में गुलू का मामला पैदा हुआ है उनके ख़ानदान में और उनके बाद। तो अल्लामा नक़वी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा 173 में लिखते हैं कि उलमा अहले सुन्नत की खूबियों में से है कि वो किसी को काफिर नहीं कहते, किसी मुसलमान को काफिर नहीं कहते, ना लानत करते एकदम। और अहले बिदअत की बुराइयों में से है कि वो उनमें से बाज़ बाज़ को काफिर कहता है, बाज़ बाज़ पर लानत करता है। ये मैं 173 का साफ साफ पढ़ के मैंने देखा है। वो मैं इबारत आप देख रहे हैं सफ़े नंबर 173 में, ये साफ लिखा है। जो देवबंद वाले कहते हैं कि बिदअती हैं, तो वो अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह ने खुद लिखा है कि अहले बिदअत की बुराइयों में से इनमें से बाज़ बाज़ को काफिर कहता है, बाज़ बाज़ पर लानत करता है। मैं साफ साफ दलील के तौर पर भी पेश करता हूँ, जैसे अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह लिखा बाज़ बाज़ को काफिर कहता है। हज़रत अल्लामा पीर करम शाह ग़ज़नवी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर किसने करा दिया? बरेलवियों ने काफिर करा दिया, देवबंद वालों ने छोड़ दिया। हज़रत अल्लामा ग़ुलाम रसूल शहीदी बेहतरीन मुफस्सिर कुरान, उनको गुमराह किसने करा दिया? बरेलवी वालों ने। और क़ाज़ी ज़ही बेहतरीन मुफस्सिर कुरान बम्बई में इस्माइल हबीब मस्जिद में इमामत करते हैं, उनको गुमराह किसने करा दिया? उलमा कौंसिल में बैठने से? बरेलवी आलिमों ने। और मुफ्ती आलम माजटा मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर किसने करा दिया? बरेलवी आलिमों ने, मुहद्दिस कबीर दयाल मुस्तफ़ा साहब ने और उनके हम नवा ने। बोलो काफिर करा दिया कि नहीं? ये साफ लिखा है अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर अलम नशरा में कि अहले बिदअत की बुराइयों में से इनमें से बाज़ बाज़ को काफिर कहता है, बाज़ बाज़ पर लानत करता है, यानी आपस में एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाते। उबैदुल्ला खान आज़मी को, जो ख़तीबुल हिंद है, बेहतरीन मुकर्रर हैं हिंदुस्तान के उभरते हुए मुकर्रर अपने वक्त के, और जोशीले मुकर्रर, उन जैसा मुकर्रर हिंदुस्तान में अभी तक नहीं है, उनको काफिर। मेरे सामने, मैं खुद मौजूद था जामिया हबीबिया इलाहाबाद में, ज़ियाल मुस्तफ़ा साहब ने 3 बार काफिर कहा कि काफिर है, काफिर, काफिर है। वहीं से मुबारकपुर से जहाँ पढ़ाते थे, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने कहा कि मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है। एक कह रहा है काफिर है बरेलवियों का, एक कह रहा है कि मुसलमान है। वहीं मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब इमाम मुहक्किकीन अल्लामा ताहिरुल क़ाज़ी न जाने क्या दुश्मनी है, उनको काफिर करार देते हैं। और गुलाम वो उबैदुल्ला खान आज़मी को क्या मालूम खौफ की वजह से मुसलमान करार दे दिया उनको, कि सियासी मामला भी उनका ताकतवर है, पावरफुल है। तो ये दो रुखी पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आती। एक को काफिर करार दे रहे हैं अल्लामा ताहिरुल क़ाज़ी को काफिर करार दे रहे हैं, उबैदुल्ला खान आज़मी को मुसलमान करार दे रहे हैं, उनके उस्ताद तो काफिर करार दे रहे हैं। अजीब तमाशा है मामला। तो ये अल्लामा नक़वी ख़ान रहमतुल्लाह लिखा। और सुनो, मकाम हज़रत आली शरिया दिलानों में बयान करते करते मैं किधर चला गया। देखिए मलिकुल उलमा हज़रत अल्लामा ज़फरुद्दीन भाई अहमद रहमतुल्लाह अलैह पटना के शम्सुर्रिज़ा मदरसे में मुफ्ती सैफ़ुल अहमद देवबंदी के पीछे रोज़ाना जोहर की नमाज़ पढ़ते थे। ये मैं नहीं कह रहा, इख्तिलाफ़ अहले सुन्नत में इख्तिलाफ़ तफरीक के अलमनाक वाक़यात किताब है, सफ़ा नंबर 124 पढ़ो। साफ लिखा है रोज़ाना जोहर की नमाज़ पढ़ते थे वो मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। ये मुफ्ती महमूद अहमद साहब रिफाक़ती ने लिखा है, जो मुजफ़्फ़रपुर बिहार से छपा है। और सलमान हज़रत मौलाना सुलेमान साहब जो फाजिल बरेलवी के शागिर्दों में हैं, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, ये वहाँ नमाज नहीं, वहाँ नमाज़ पढ़ते थे देवबंद वालों के पीछे। और अमीन शरीयत जिनका लक़ब है, ये जो कांकेर में रहते थे, अमीन सैयद रायपुर कांकेर छत्तीसगढ़ में जब आता है, सिप्तन मियाँ साहब, सिप्तन रजा खान साहब, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़े, 2 साल पढ़े। खुलफा मुफ्तियान किताब देख लो, उसमें लिखा हुआ है। तो उस ज़माने में अलीगढ़ में तो मस्जिदें ही नहीं थी बरेलियों की, अब हुई है जाके 8-10 साल में। हम भी गए कई बार अलीगढ़ में, तकरीर हमारी कम बेश, हमारी 20 तकरीर अलीगढ़ में हुई हैं कम बेश। और वहीं पर जो है कि उनके लड़के रहते थे आरजू अशरफी साहब, आरजू मुख्तार आरजू साहब, वो उनका तो मिजाज ही बिल्कुल देवबंद वालों जैसा था। उनके उनसे मिलने वाले आज भी वहाँ मौजूद हैं, मुफ्ती उनके मुरीद हैं, शौकत साहब, जिन्होंने वहाँ मस्जिद बनवाई है अलीगढ़ में। वो खुद कह रहे थे कि उनका तो मिजाज अब इस मामले में नहीं है देवबंद बरेली, वो क्या मैं तो इनसे अब दूर हूँ, यानी अलग हूँ। तो अब ये देखिए आप, काफिर काफिर कहने का मामला ये बरेलियों में ज़्यादा है, देवबंद वालों में नहीं इतना। वो तो नहीं कहते, वो तो जब तक किसी का कुफ्र क्लियर ज़ाहिर ना हो जाए देवबंद वाले उसको काफिर नहीं कहते। ऐसे काफिर कहना किसी के बारे में इतना आसान थोड़ी। फाजिल बरेलवी सफ़ा 594 में लिखा
कि किसी के कौल के 100 मतलब निकलते हैं, 99 कुफ्र पर जाते हैं, एक इस्लाम की तरफ। तो इस्लाम का मतलब ही मुराद लो कि मोमिन के नज़दीक अच्छा गुमान रखना चाहिए। हदीस से पाक में सुन्नुल मोमिनून खैरा, मोमिन के नज़दीक अच्छा गुमान रखो। ये लोग तो बस तावीलें निकालते नहीं है, 100 में से 2 भी नहीं निकालते, 3 भी नहीं, बस एकदम अपनी पार्टी का नहीं तो काफिर, और अपनी पार्टी का तो 1000 तावीलें निकालेंगे। और मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा है उसी उसके अंदर हाशिए में लिखा है सफा 594 में कि 1000 भी मतलब निकलते हो, 1000 तो निकलेंगे नहीं, 100 भी नहीं निकलते, लेकिन ये एहतियात किया गया काफिर कहने के बारे में कि ज़हीर से ज़हीर, नहीं से नहीं, अगर तावील निकल सकती हो तो उसको काफिर न कहा जाए। मुफ्ती आज़म ने लिखा है अगर 1000 पहलू भी निकलते हों, वरना तो 10 पहलू भी नहीं निकल पाते एक बात के आम तौर से। तो ये उबैदुल्लाह खान आदमी को काफिर कादिया दारुलमुतवा ने मुसलमान करार दिया, मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब ने। वही मुफ्ती निज़ामुद्दीन अल्लामा तायब कादी को किस बिना पर काफिर करार दिया, कौन सी तावीलें निकाली उन्होंने कि साहब उन्होंने सब ईसाइयों को लेकर, अगर उन्होंने कृष्ण सबको लेकर अगर वो कुछ ऐसा प्रोग्राम किया था तमाम मजहब मजाहब के लोगों को, तो उन्होंने कौन सी तावील निकाली इसमें, कौन सा ऐसा खुला कुफ्र शिर्क था उसमें वहाँ पर। ऐसे तो अल्लामा गुलाम जीला अब्दुल अली मराठी रहमतुल्लाह पर भी फतवे लगे हैं। अरे भाई फतवे लगाना है तो ये तो बड़ा आसान काम है आज के ज़माने में। अगर अपनी पार्टी का है तो भाई मुसलमान बता दो क्या है, कैसी कुफ्र बका। गुलाम रसूल बलियावी ने अस्तबल बताया जामिया शर्फिया मुबारकपुर को, तो मुहद्दिस कबीर खामोश क्यों रहे, सब मालूम था उसी जलसे में बताया जिस जलसे में हंगामा हुआ, अजहर मियाँ आ नहीं पाए थे। गुलाम रसूल बलियावी को बहुत मारा था वहाँ के तालिबे इल्मों ने, कि इतना मारा बेहोश हो गया था, कपड़े फट गए थे इसी बात पर कि उसने अशरफिया को अस्तबल बताया था। जहाँ से सुल्तानुल मनाजीर मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी पढ़े, जहाँ से जो है कि अल्लामा अरशदुल कादी साहब पढ़े, जहाँ से मुफ्ती आकिल साहब मंजर इस्लाम जो शारे बुखारी हैं वो पढ़े, जहाँ से जो है कि मुफ्ती मुबारक साहब जो बेहतरीन उस्ताद उस्ताद उलमा हैं वो पढ़े, जहाँ से नायब कुतुब रामपुर हज़रत मौलाना मुफ्ती यूनुस साहब पढ़ें जो बेहतरीन आलिम हैं, मुफ्ती आज़म रामपुर हैं अरबी के अंदर सबसे बड़े, वही हैं रामपुर में सबसे बड़े मुफ्ती भी वही हैं रामपुर में, मुफ्ती यूनुस साहब बेहतरीन आलिम भी हैं, बामल भी हैं, मुत्तकी भी हैं, परहेजगार भी, मेरी उनसे मुलाकात है अच्छी, बामल आलिम हैं वो भी वहीं से पढ़े हैं मुबारकपुर अशरफिया से, और मुफ्ती अफरोज़ साहब के भी उस्ताद हैं जो बेहतरीन आलिम हैं मंज़र इस्लाम में, वो भी पढ़ाते हैं। तो ये हजरात जहाँ ऐसे ऐसे उलमा पढ़ के आए वहाँ के मदरसे को अशरफिया को अस्तबल बताने वाला गुलाम रसूल बलियावी है। जब 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 को जब सारी तावीलें निकाली इन्होंने, और कालपी वाले गयास ने कह दिया कि अशरफिया को चंदा देना हराम है, कालपी वाले गयास ने कहा कि जो अजहर मियाँ को न माने मेरे सलाम का जवाब न दे, कालपी के गयास ने कहा कि जो आला हजरत को न माने वो सैयद ही नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह। तो मक्के शरीफ के लोग सैयद नहीं, मदीने शरीफ के लोग सैयद नहीं, क्या सारे सैयद हिंदुस्तान में आ गए, जहाँ से सैयद हजरत का सिलसिला चला गया मैं सैयद नहीं है, बगदाद शरीफ में सैयद नहीं है क्या। इसने जाके पूछा मक्के शरीफ मदीने शरीफ वालों से, हुसाम अलमैन को क्या मानते हो, आला हजरत को क्या मानते हो तुम, जाके पूछे कालपी वाला, और जाके मालूम करे कि आप लोग कहाँ नमाज़ें पढ़ते हैं, आप लोगों की मस्जिद कहाँ है, और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम किस खानदान में पैदा होंगे, मदीने शरीफ में तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ज़ाहिर होंगे हैं। अब ये लोग कहते हैं मक्के शरीफ के लोग मुसलमान नहीं, मदीने शरीफ के लोग मुसलमान नहीं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो साफ लिखा है उलमा अल्लामा नक़वी खान रहमतुल्लाह अलैह ने कि अहले बिदत की बुराइयों में से कि इनमें ये बास इनमें से बास को काफिर कहता है, बास पर लानत करता है। जाम अगर मिस्र में ये जाएंगे तो सुन्नी बना देते हैं अपनी मतलब की वजह से, सुन्नी इदारा यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और ये है वो है, कोई गरीब आदमी जाता है और ये नहीं जाते तो फिर फतवे लगा देते हैं क्यों तुम जामे अज़हर मिस्र पढ़ के आए हो। वो लोग जो है कि देवबंद वाले हैं, उनका उनका मामला देवबंदी जैसा है, तर्ज उनका देवबंद वाला है, नदवा वाला है, दाढ़ियाँ नहीं रखाते, पैंट बुशर्ट पहनते हैं, टाई बांध के नमाज टाई बांध के पढ़ाते हैं, और ऐसा करते हैं वहाँ पहले खड़े हो जाते हैं, जुमे की अज़ान अंदर देते हैं और कब्र पर अज़ान नहीं देते, और जो है कि वो लोग आला हजरत का नारा नहीं लगाते। अगर ये लोग नहीं जाते फिर तो हज़ार फतवे लगा देते जाने वालों पर, मतलब इनका फतवा जो है उसी पर लगता है जो गरीब हो। अब सुनो ताजुश शरिया रजनान का मकाम मरतबा क्या है, अगर पूछना है तो जाके पूछ हजरत बाबा फजीन गंजे शकर से, जाके पूछ हजरत शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में, जाके पूछ हजरत शाह नियाज़ बे नियाज़ बरेलवी से पूछो कि हजरत ताजुश शरिया का मकाम मरतबा कितना बुलंद वाला है, जाके पूछिए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से, जाके पूछिए हजरत शेख हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से, अगर इन सब की बारगाह में जाएँ तो वो कहेंगे जाओ आप जाके कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से पूछिए, तो हज़रत शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के फरमाएंगे कि हम क्या बताएं हज़रत ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम, जाके पूछना है तो हमारे पीर मुर्शिद से अजमेर शरीफ में जाके पूछिए, हज़रत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेर ही बताएंगे कि हज़रत ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु अन्हु का मकाम कितना बुलंद वाला है। हम वहाँ जाकर सलाम अर्ज करें, अस्सलामु अलैकुम या शेखुल आरिफीन, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तानुस सालिकीन, अस्सलामु अलैकुम या इमामुल हिंद, अस्सलामु अलैकुम या शेख मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह,
कि हम यहाँ मकाम हज़रत ताशरिया रदीलानों का मकाम ताशरिया रदीलानों मालूम करना चाहते हैं कितना बुलंद वाला है। तो हज़रत फरमा आलम रोया में फरमाया, या आलम जो है कि तसरुफात में फरमाया, या इशारा फरमाया ख्वाब में कि मकाम ताजुशरिया रदिल्लाहु पूछने आए हो, सुनो अगर मकाम ताजुशरिया रदिल्लाहु ताला अन्हु पूछने आए तो बगदाद शरीफ जाके पूछो, हज़रत पीरान पीर से पूछो। मैंने तो हज़रत ताजुशरिया की अकीदत में बस ये शेर कहें, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन। अब ये रज़वी लोगों ने ये अशआर पढ़े तो कहा कि इसमें चौथा मिसरा तो बड़ा है वैसा है जिसके यानी फतवा लगाने वाली बातें कर दी इन्होंने। और यही फाजिल बरेलवी को मौजूदा तो मौजूदात नबी कहते हैं, नबी के मौजूदों में से एक मौजूदा है। अब इनसे पूछो मौजूदे की तारीफ, तो अगर इनसे पूछा जाए सवाल किया जाए क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई किसी एक मौजूदे का इनकार करके मुसलमान रहेगा, बरेलवी कहेंगे नहीं रहेगा। तो उलमाए बताएं तो आलात को मौजूदा भी नहीं मानते, मुजद्दिद भी नहीं मानते, और जो है कि फाजिल बरेलवी को जो है कि वो मुजद्दिद भी नहीं मानते, मौजूदा भी नहीं मानते, उलमाए अरब नहीं मानते, जाम मिस्र के लोग भी मौजूदा नहीं मानते, और जो है कि पूरा अरब के लोग मौजूदा नहीं मानते। अब तो तुम्हारे फतवे के हिसाब से पूरे अरब के लोग मुसलमानियत से खारिज हो गए, इस्लाम से खारिज हो गए। तुम फाजिल बरेली को मौजूदा कहो, तुम अज़ली में आके वाले में लिख दो कि तजल्लियात ताजुशरिया, जबकि तजल्ली के लफ्ज़ अल्लाह के साथ खास है कुरान में, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल, तो ये ताबीर कर देंगे। नहीं, तजल्लियात ताजुशरिया भी कह सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, हज़रत शेख मुजीद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमा दिया, तो ये लोग फतवेबाजी करेंगे कि अरे ये उनका शेर नहीं, ये तो एक मोइनुद्दीन ईरान के रहने वाले थे, उनके अशआर हैं। अरे मकाम ताजुशरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अगर मालूम करना है तो इमाम बाकर से मालूम करो, इमाम जाफ़र से मालूम करो, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से मालूम करो, हज़रत अब्बास अलमदार से मालूम करो। जब मालूम होगा कि ताजुशरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरतबा कितना बुलंद है, क्या उनसे ज़्यादा शरीयत पर अमल करने वाला कोई है ज़माने में, क्या शरीयत पर उनसे ज़्यादा कोई अमल कर सकता है? ऐसे हालात में जब यजीदियों से जंग हो रही थी, यजीदियों से जंग हो रही है, इधर उनके साथ ही शहीद हो रहे हैं, और हज़रत ताजुशरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शरीयत पर अमल कर रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं। आज के पीर तो बिल्डिंगों में नमाज़ें पढ़ते हैं और फिर कहते हैं सफ़र में नमाज जमात से नमाज़ माफ़ है और जुमे की नमाज़ पढ़ने चले जाएँगे, लेकिन और नमाज़ों को घर में पढ़ते हैं, बिल्डिंगों में पढ़ते हैं, और फिर बड़े बड़े अलकाब लेते हैं ये लोग। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इतना बुलंद तो बाला मकाम है, आज जो उनकी औलादों में हिंदुस्तान में हैं ये भी उनके औलादों के नाम के कभी जलसे नहीं करते, ना इमाम बाकर के नाम के जलसे करते हैं, ना इमाम जाफर के नाम के जलसे करते हैं, ना हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम के जलसे करते हैं, ना हज़रत अब्बास अलमदार के नाम के जलसे करते हैं, ना हज़रत इमाम हसन अस्करी का मरतबा बता दें जो उनके ख़ानदानों में आज यहाँ हिंदुस्तान में हैं, ताजुशरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में हैं, ये भी खामोश हैं, ये भी किसका मरतबा बताते हैं? बस फाजिल बरेलवी, फाजिल बरेलवी, फाजिल बरेलवी, अज़ली मियां, अज़ली मियां, अज़ली मियां, अज़ली मियां। क्या मालूम क्या इनको यकीन नहीं है अल्लाह की ज़ात पे कि रिस्क देने वाला अल्लाह है, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। कुरान में हो तो इज़्ज़ मन तशा तो ज़िल्लु मन तशा, लेकिन क्या मालूम क्या हो गया है, कितना अजीब मामला हो गया है, नफ्स कितना गालिब हो गया है कि हज़रत ताजुशरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में होकर भी गुण किन के गाए जा रहे हैं आज के ज़माने के मौलवियों के? इमाम बाकर के कभी गुण नहीं गाते, इमाम जाफर के भी नहीं गाते, बस कभी एक दो मिनट बोल देंगे, जैसे एक शेर में कहा है मोमिन है वो जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, नजदी तज़ीम भी करता है तो मरे दिल से, हैं मरे दिल से कभी कभी तज़किरा कर देते हैं इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का थोड़ा बहुत, बाकी तो ताजुशरिया इमाम अज़हरी मियाँ, अज़हरी मियाँ, अज़हरी मियाँ और फाजिल बरेलवी मुफ्ती, इन्हीं का तीनों का मरतबा बाकी दुनिया में क्या आलिम नहीं हुए? अरे तुम क्या जानो इमाम गरीब नवाज का मर्तबा क्या जानो, हज़रत बाबा फरीदीन गंज शकर का क्या मर्तबा जानो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा बहुत बुलंद बाला है, उनकी औलाद में से एक औलाद हज़रत गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम फैला दिया। तुम क्या समझ पाओगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मर्तबा, तुम क्या मकाम का अंदाज़ा लगा पाओगे जो हज़रत ताजुशरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया है, वो तुम्हें उसका अंदाज़ा तुम्हें क्या हो सकता है? तुम तो मकाम गरीब नवाज का भी अंदाज़ा नहीं कर सकते हो। बाबा फैजीन गंजे शकर के 10 लाख खलीफा थे, तो उनके पोते खलीफा हैं, पढ़ो सब सनाबिल में साफ लिखा हुआ है कि बाबा फैजीन के शकर में 10 लाख खलीफा थे, 10,000 आसमान में थे, 10,000 पहाड़ों पे थे, 10,000 दरियाओं में थे, 10,000 सहराओं में थे, 10,000 आसमान में हवाई जिन्नात खलीफा थे, 10,000 दरिया में दरियाई जिन्नात खलीफा थे, 10,000 समंदर में समंदरी जिन्नात खलीफा थे। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये लोग बस आज के ज़माने के मौलवियों का तस्करा करते हैं, बस फाजिले बरेली का मसला, फाजिले बरेली का मसला, चार मसलक दुनिया में राय है, अब ये पांचवा मसलक कहते हैं, नहीं नहीं वो पांचवा मसलक मसलक वो चार ही है, पांचवा खाली नारा। अरे इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफ़सानी के नाम से क्यों नारा नहीं लगाया? मसलक के मुजद्दिद अलिफ़सानी सबसे बड़े मुजद्दिद वही हैं हिंदुस्तान में, नहीं दुनिया के, बल्कि 1,000 साल के सबसे बड़े, 1,000 अल्फ माने 1,000,
दुनिया के अंदर हजार साल के बाद सबसे बड़े मुजद्दिद आप हुए, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनको दुनिया मानती है, उनका तो ये लोग तस्किरा भी नहीं करते हैं, बल्कि अनवारुल बयान में किसी जगह भी इमाम रब्बानी के बारे में कोई बाब नहीं माना, पूरी किताब में किसी भी सहाबी को हुजूर नहीं लिखा, पूरी किताब में इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं लिखा। फिर कहते हैं रदेलानो कह सकते हैं, तो रदेलानो तो तुम आज के मौलवियों को कह रहा हो, अगर इमाम हुसैन को रदेलानो कह दिया तो कौन सा तुमने एहसान कर दिया अहले बैत के ऊपर। पूरी किताब गुलू से भरी पड़ी है, अनवारुल बयान देख लें, सफ़ा 353 देख लें, उसमें लिखा है कि आला हजरत नाज शरीफ लिखकर हुजूर की बारगाह में बैठ गए। बताइए वहाँ जाके बैठ रहे हैं और यहाँ अली हुसैन अशरफी मियाँ के लिए ताज़ीम के लिए खड़े हो रहे हैं कि अली हुसैन अशरफी मियाँ स्टेशन से गुजर रहे हैं, आप सौदागरान में अपने घर में खड़े हो रहे हैं। किसी ने पूछा हजरत खड़े क्यों हुए, कहा कि एक आले रसूल का गुजर हो रहा है। अली हुसैन अशरफी मियाँ के लिए आप जो है मुरादाबाद में खड़े खड़े तकरीर सुन रहे हैं, और ये अनवारुल बयान में सफ़ा नंबर 353 जिल्द अव्वल में लिख रहे हैं कि आला हजरत नाज शरीफ लिखकर बैठ गए। वो अली नाज शरीफ जो है जो सूए आला हजार फिरते हैं, 13 दिन है बाहर फिरते हैं, ये नाज शरीफ लिखकर आप मुअद्दब रोज़ा रसूल के पास में बैठ गए, और आला के बारे में लिख रहे हैं कि 8 घंटे में हाफिज़ हो गए। जब बचपन में ही आदमी हाफिज़ हो जाता है तो आखिर उम्र में तो और देर में हाफिज़ होता है, ये तो आखिर उम्र की बात है कि 8 घंटे में हाफिज़ हुए। 8 घंटे में तो 12 घंटे तो पढ़ ही नहीं सकता, हाफिज़ कुरान नहीं पढ़ सकता है। कैसे कैसे गप्पाशियाँ उसमें की गई हैं अनवारुल बयान में, गुलू की हदें पार कर दी हैं, और भी बहुत सारे वाक़ात अनवारुल बयान किताब में हैं। पूरी किताब में एक भी जगह इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम नहीं लिखा, जबकि पीराने पीर ने लिखा है अपनी किताब उन्हें तालिबीन में, ये क्या उनसे बड़े आलिम हो जाएंगे। कहते हैं रदेला लो कह सकते हैं, रदेला तुम आज के मौलवियों को कह रहा हो, अल्लाह तुमको समझ अता फरमाए।